डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे जो ही चलना सीखते हैं उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं, वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद सौजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशरम बन जाते हैं। पाई पेराचेंज मेलों, ठेलों या हाट बाजारों में बच्चे प्राय हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फेल भी जाते हैं। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फ़ायदा उठाकर मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। मेलों में बच्चे प्राय एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते, इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज़ और नोट में भेद करना आ जाता है वे नोट देखते ही चीज़ खरीदने चल देते हैं। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे को बाहर आ जाते हैं। उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। उन्हें
तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज चाहिए पाई पेराचेंज। महोदय, श्रीमती मीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है, आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। एक दिन मैं सो रही थी, आंख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकाल कर आइसक्रीम खरीदी है। मेरा माथा ठनका, तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। मैं मन मार कर रह गई। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीददारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तुएं खरीद लेते हैं। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्राय अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चों को खाद्य विषाक्तता होती है पाई पेराचेंज। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाज़ारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रम जाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए।
रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीददार सिद्ध हो सकते हैं। स्टॉक।